आज जितने लोग भी सोशल मीडिया यूट्यूब फेसबुक इंस्टा जो भी चला रहे हैं वो लोग दो ही सवाल खोज रहे हैं, दिल्ली से बिहार कब आएगी ट्रेन, महाराष्ट्र यानी कि मुंबई से ट्रेन कब आएगी बिहार, और अगर आएगी तो हम इसका टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। ये सारी बातें हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं, और एकदम पूरा जो कहते हैं ना काला चिट्ठा लेके बैठे हुए हैं कि सारी बातों को क्लियर कर दिया जाए, और दिल्ली और मुंबई वाले जितने भी हमारे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनके अंदर कोई भी डाउट ना रहे। तो आइए इस वीडियो को इत्मीनान से शुरू करें, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि आप सबसे पहले तो जाके हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, इससे आपका ही फ़ायदा है। वहाँ पे आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन होगा जैसे टिकट बुक करना या फिर कोई भी इस तरीके का न्यूज जो सबसे फास्ट आप तक पहुँचाना होगा तो हम वहाँ पे पहुँचा देंगे, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो बनाओ एडिट करो वगैरह वगैरह करते करते बहुत टाइम लग जाता है, तो वहाँ पे पहुँचा देंगे और आप जल्दी बुक करके आ पाइएगा। खैर अभी बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ जो कि रियलिटी में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आज हर तरफ जितने भी YouTube चैनल वाले हैं वो बता रहे हैं कि मुंबई से दिल्ली और जितने जगह से बिहार आने के लिए टिकट कैसे बुक कर सकते हैं, यहाँ रजिस्ट्रेशन कीजिए, वहाँ रजिस्ट्रेशन कीजिए, ये नंबर लीजिए, वो ये सब बातें बहुत फेक है, बहुत सही है। लेकिन सही बातें क्या हैं वो हम आपको बताते हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कोटा से बिहार आ रहे हैं, जितने भी बाहर फंसे बच्चे हैं उनको बिहार लाने का काम किया जा रहा है, कुछ जगह से मज़दूरों को भी बिहार लाया जा रहा है, लेकिन इन सब चीज़ों को देख के जितने और लोग हैं बाहर वो बेचैन हो जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं कि भाई सब लोग जा रहे हैं हम कहीं नहीं जा पा रहे हैं। तो जी हाँ, आप इस वीडियो पे आए हैं तो आपकी हड़बड़ाहट पक्का दूर हो जाएगी। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली से बिहार आने वालों के लिए। तो दोस्तों जितने भी लोग हैं दिल्ली से बिहार आना चाहते हैं उनके लिए अभी कोई ट्रेन नहीं चलाई जा रही है। जितने लोग भी आपको बता रहे हैं कि दिल्ली से यहाँ आने की टाइमिंग क्या है, कब है, कौन ट्रेन आएगा, वो सब बस आपको बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं और बस कुछ भ्यूज के लालच में इस तरीके के काम को अंजाम दे रहे हैं। अगर कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ आता है तो सबसे पहले हम आप तक पहुँचाएंगे और बताएंगे कि ट्रेन कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, टिकट की बुकिंग कैसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं मुंबई महाराष्ट्र वालों के लिए। दोस्तों वहाँ के लोग जितने भी परेशान हैं कि आखिर हम बिहार कैसे आ सकते हैं, तो उन लोगों को भी बता दें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैदल यात्रा शुरू कर चुके हैं। आप यहाँ पे वीडियो का क्लिप देख सकते हैं कि पैदल ही आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बातें इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर दी गई है कि समझ में नहीं आ रहा है कौन लोग आ रहा है कौन लोग नहीं आ रहा है, किसको बुक करना है किसको नहीं करना है। जो लोग पढ़ा लिखा नहीं है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम आपको बता दें कि अगर एक जगह से जितने भी मजदूर हैं अगर उनको लाया जाएगा तो सारे लोगों को लाया जाएगा, ये बात तो तय है। तो इसलिए आप हड़बड़ाइए नहीं, और बहुत सारे लोग आप देख ही रहे हैं कि कैसे आ रहे हैं बिहार, तो उन लोगों को अभी वहीं रहने की ज़रूरत है, और जैसे ही ट्रेन और कुछ चलता है तो आपको सबसे पहले न्यूज़ बताया जाएगा। मतलब दिल्ली से बिहार के लिए कोई ट्रेन नहीं चल रही है और महाराष्ट्र और मुंबई से कोई ट्रेन बिहार के लिए अभी फ़िलहाल नहीं चल रही है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज। तब दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि अब आप फेक वीडियो पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, और इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।